हेलो दोस्तों, मैं गुरप्रीत सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बेटा, आज की वीडियो का थंबनेल देखते ही आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाँ जी, आप सभी जानते हो जैसे CUET का जो एग्जाम है बेटा, जो ये जो एग्जाम है ये दो तरह से होता है, एक आपका यूजी के बेस पे, एक आपका पीजी के लिए, है ना। जो बच्चे आफ्टर 12th अब ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन इनरोल करेंगे तो उनको आज के टाइम पे जरूरी हो चुका है यूजी का एग्जाम देना, CUET का, है ना। और इसके अलावा जो बच्चे पीजी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको फिर से CUET आपका पीजी का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। आज की वीडियो में वो सारे बच्चे जो अभी 12th पास, मतलब 12th का एग्जाम देने वाले हैं, या आप जब वीडियो देख रहे हो आपका एग्जाम ओवर हो चुका है, तो आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आए हैं स्पार्क इंस्टीट्यूट की पूरी टीम, जिसमें हम आपके साथ बताएंगे कि CUET का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, हमारी टीम किस तरह से आपका जो है इस एग्जाम में साथ देगी। तो आज की वीडियो 15 मिनट की रहेगी, इसमें बने रहना। आपका कोई एक सिंगल डाउट तक जो होगा वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि CUET का एग्जाम कब है, नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, रिजल्ट क्या है, ये सारी बातें, ठीक है। स्क्रीन पे ऑलरेडी आप देख भी रहे हो कि सारी टीम आपके साथ काम करने लग रही है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो फीमेल सुपरवाइजर का हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया था तो काफी आपने हमें प्यार दिया है, तो उसके लिए स्पार्क इंस्टीट्यूट आपका दिल से धन्यवाद करता है। आज के टॉपिक में हम बात करने लग रहे हैं CUET के लिए 2024, जो CUET का एग्जाम है उन बच्चों के लिए स्पेशली जो 12th क्लास में है और ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे। आप सभी बच्चों को एक बात सबसे पहले पता होनी चाहिए, विदाउट CUET आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको CUET का एग्जाम जो है वो भरना ही पड़ेगा और इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बताते हैं कि किस तरह से हम CUET को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें ऑलरेडी टीचर की टीम है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको कि इसमें हमें क्रैक कैसे करना, हमें प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न बताया जाता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे CUET का एग्जाम पैटर्न, तो इसमें बेटा आप लोग एक बात को देखो कि ये जो एग्जाम पैटर्न है इसमें आपके टोटल तीन सेक्शन रहते हैं उत्तर, तीन सेक्शन। हाँ जी, तीन सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट सेक्शन कौन सा है, सेक्शन वन, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपने इसमें से कितने क्वेश्चन करने होते हैं बेटा, 40। सेक्शन टू आपका कौन सा रहेगा, डोमेन का रहेगा। और सेक्शन थ्री आपका कौन सा रहेगा, जीटी का। जीटी का मतलब होता है जनरल टेस्ट। इसमें तीन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं मेजरली, रीजनिंग, मैथ और अनदर वन जीके का। तो आज इन तीनों चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि हम आपकी CUET के एग्जाम प्रेपरेशन में किस तरह से आपका साथ देंगे, ठीक है जी। आज की वीडियो में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो आपके डाउट्स हैं कि सर इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम की डेट क्या है, नोटिफिकेशन आएगी, तो वो अब हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो तो इसमें प्रॉपर बताया गया कि एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन होगा बेटा, फरवरी के फर्स्ट वीक में ये ओपन हो जाएगा। आप कभी मान लो आज मार्च में मेरी वीडियो देख रहे हो, जब फेब में देख रहे हो, जब अप्रैल में देख रहे हो, तो आपको पता ही है एग्जाम जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। आपको इसको मार्च की में भरना होता है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इसका आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन को करेक्ट करने की विंडो भी ओपन हो जाती है। CUET का एडमिट कार्ड जो है वो मई में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम की जो डेट है आपकी, वो 15 मई से लेके 31 मई के बीच में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद बेटा रिजल्ट रहता है आपका, जून के फोर्थ वीक में रिजल्ट आ जाता है। देन फाइनल आंसर की रहती है, आपका रिजल्ट जो है वो फोर्थ वीक ऑफ जुलाई आता है। जून में क्या रहेगा, आपकी आंसर की आएगी, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, उम्मीद करता हूँ इन पॉइंटों पे आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि बेटा आपका CUET का एग्जाम, आपको ऑलरेडी बताया गया एग्जाम डेट क्या है, तो ऑफिशियली यही आसपास अनाउंस होगी आपकी एग्जाम डेट। 13 लैंग्वेज जो है पेपर में पूछी आपको, 13 लैंग्वेज में ये पेपर जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको अभी बताया गया, सेक्शन वन में आप जो इंग्लिश का रहता है उसमें 40 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है। तो इंग्लिश सेक्शन वन कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का। सेक्शन टू जो आपका रहेगा डोमेन का, ये भी 200 नंबर का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जीटी का जो सेगमेंट है, 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 50 क्वेश्चन करने हैं। हाँ जी,
तो ए क्वेश्चन 5 नंबर का और आपका 250 नंबर का पोर्शन जो होगा वो जीटी का होगा। तो स्पार्क इंस्टीट्यूट आपकी स्ट्रेटेजी में यही हेल्प करेगा। एक तो हम आपके लिए जीटी का बैच लेके आ रहे हैं और एक आपको सेक्शन 1 का बैच भी पढ़ाएंगे। डोमेन के कुछ स्पेसिफाई सब्जेक्ट है जो हम आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश का जो सिलेबस है। मैं पूनम मैम को बुलाना चाहूंगा कि मैम आप अपने सिलेबस को इंग्लिश के जो सेक्शन 1 है उसको बच्चों के साथ डिस्कस करो, ताकि आप उनको बताओ कि 2022 और 23 में जो पेपर हुआ सेक्शन 1 का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको प्रॉपर डिटेल वे में। बच्चों को अभी तक इंग्लिश का सिलेबस ही नहीं पता, तो मैडम मैं आपको बुलाना चाहूंगा और आप इंग्लिश का सिलेबस बच्चों को। थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि सर ने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, जैसे कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, पर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा, और जिसमें अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले जब लास्ट ईयर सीयूईटी का एग्जाम हुआ था तो बच्चे जो सेक्शन 1 वाला पेपर था, जिसको आप लैंग्वेज का पेपर कहते हो इंग्लिश का, तो बच्चों ने मोस्टली क्या किया था, उनको लग रहा था कि जो बच्चे बैंकिंग में पढ़ रहे हैं या SSC में पढ़ रहे हैं, अगर हम वही सेम सिलेबस वही सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच करके चले जाएंगे तो हमारा पेपर हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों की ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहती हूँ कि जो आपका CUET का लैंग्वेज का पेपर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आप लोग देख सकते हो, आपको फैक्चुअल चीजें पूछी जाएंगी, आपको नरेटिव पूछा जाएगा, आपको लिटरेरी टर्म्स पूछी जाएंगी, आपको पूछा जाएगा मेटाफर क्या होता है, आपको पूछा जाएगा पर्सोनिफिकेशन क्या होता है या आपका सिमिली क्या होता है। ये सारी चीजें आपको करनी ही करनी है। आपको पूछ लेगा, अगर सपोज उसने आपको एक टर्म पूछ लिया सॉलिलोक्वी क्या होता है, आप मुझे बताओ कौन से बैंकिंग के पेपर में आता है, नहीं आता ना। तो इस पूरे सेक्शन का सिलेबस ही बिल्कुल अलग है, जिसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो सपोज अगर जो भी यूट्यूब पे पहले के कोर्सेस अवेलेबल है, अगर वो कोई एग्जाम, जैसे सपोज मैंने ही वहां पे बहुत बार बैंकिंग और SSC वालों को पढ़ाया है, लेकिन मैं आप लोगों को CUET वाले स्पेशल बच्चों को बता दूं कि सेक्शन 1 का सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो वो उसमें अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिएगा। आप लोगों को पर्टिकुलरली सिर्फ यही चीजें पढ़नी है, बिकॉज आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप लोगों को वो सारी चीजें डिटेल में पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो वर्बल एबिलिटी होएगा, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, रीअरेंजिंग द पार्ट, वोकैबुलरी का एक सबसे बड़ा मेजर पोर्शन रहता है, क्योंकि वोकैबुलरी में इतनी ज्यादा वर्ड्स होते हैं और बच्चों को लगता है कि ये कहाँ से करें। तो मैं हमेशा बोलती हूँ वोकैबुलरी हम अपने हिसाब से करवाएंगे, जैसे कि रूट वर्ड से करवाएंगे। एक रूट वर्ड का मतलब पता लग गया तो एटलीस्ट आप लोगों के 20 से 30 वर्ड उसी में कवर हो जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क करना है। और जैसे कि सर ने बताया कि हम बहुत जल्दी हमारा जो कोर्स है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को इस पेपर की एटलीस्ट टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जितने भी CUET वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट जो है वो सर GT के बारे में बताएंगे, जो भी GT का सिलेबस है। तो मैं गुरप्रीत सर को दोबारा बुलाना चाहूंगी, वो आकर आपको बहुत सारी चीजें जो है अपने सिलेबस की एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज। हाँ जी स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो सेक्शन 1 का सिलेबस है ऑलरेडी आपने स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। बेटा जो GT रहता है, GT की अगर मैं बात करूँ तो GT में आपके 3 सब्जेक्ट रहते हैं, कौन कौन से? रीजनिंग मैथ और आपका GK, जिसमें बेटा रीजनिंग का जो सेगमेंट है वो आपको मैं टीच करूंगा। हाँ जी, रीजनिंग के सेगमेंट में की बात करूं तो बेटा जो प्रीवियस पेपर हुआ 2022 और 23 का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं सारे सब्जेक्ट उन्हीं सारे क्वेश्चंस के बेस पे हमने इन कुछ चैप्टरों को डिफाइन किया कि ये चैप्टर हम अपने कोर्स में पढ़ाएंगे, जिनमें आपके लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कुछ आपका नॉन वर्बल रीजनिंग में इमेजेस, क्लॉग, ये सारे के सारे चैप्टर आपको हम ट्रिक से पढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली बेटा आप अपने इस बैच की डेमो डेफिनेटली अटेंड करना, बाकी रीजनिंग का सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैक्सिमम बच्चों को अभी तक यही नहीं पता कि GT में सब्जेक्ट कितने होते हैं और उसमें रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो स्क्रीन पे आप सारे टॉपिक देख रहे हो, तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है आफ्टर 12th, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट आपका मैथ्स का सेगमेंट रहेगा, जिसमें मैं आपको सनी सर को बुलाना चाहूंगा। सर थैंक यू सर। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले साल 2022-23 में जो भी CUET का पेपर हुआ है, तो उसके एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वाले चैप्टर जो आपको बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस पेपर में दोनों साल में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो कि आपके पास यहाँ पे टाइम वर्क है, ठीक है, पार्टनरशिप है, प्रॉफिट लॉस है, बोर्ड एंड स्ट्रीम है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स है, ज्योमेट्री, परसेंटेज, HCF, LCM, स्टैट हो गया, 2D, 3D, तो इतने सारे जितने भी टॉपिक है, अलजेब्रा लगा लो, नंबर सिस्टम लगा लो, तो ये सारे के सारे चैप्टरों को मिला के पिछले साल जो भी दो पेपर हुए आपके 2022-23
2022 और 23 में, तो यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा गया था। जैसे कि आपको पता ही है पिछले साल भी मैंने वीडियो YouTube पे स्पार्क के ऑफिशियल चैनल पे पढ़ाया था, तो जितने भी क्वेश्चन थे मैं जो पिछले साल पेपर में आए थे सारे के सारे वहीं से आए थे। बस उसने वैल्यू चेंज की थी, 10 की जगह उसने 20 लिख दिया, 20 की जगह उसने 30 लिख दिया, बाकी सारा का सारा पेपर जो मैथ वाला पोर्शन था सारा का सारा यहीं से आया हुआ था। तो आपने डरना नहीं है, जुड़ना हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बेसिस पे, ठीक है। हम आपको करवाएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे हम एग्जाम में क्रैक करना है, कैसे क्वेश्चन हम उड़ाएंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे जल्दी से जल्दी। तो नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा सौरभ सर को, जो आपको बताएंगे जीके वाला क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, काफी सारे सिलेबस के बारे में हमारी जो पूरी टीम है उन्होंने आपसे लोगों से बात कर ली है। आई एम सौरभ महाजन एंड मेरे साथ में एक और फैकल्टी है मानिश सर। हम दोनों आप लोगों को जीके का जो सिलेबस है जो सीयूईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है वो कवर करवाएंगे। सिलेबस की अगर हम लोग बात करें स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा जनरल नॉलेज, जहाँ पे हम लोगों को इंपॉर्टेंट डेज इंडियन हिस्ट्री, सी यहाँ पे हम लोगों को इंडियन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से काफी सारा जो फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, और स्टूडेंट्स का एक काफी यू नो क्वेरीज रहती हैं, स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं कि सर हिस्ट्री में डेट्स याद नहीं होती, डायनेस्टीज हैं, किंग्स हैं, ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें रेलेवेंट है जिनको पढ़ के हमारा पेपर क्वालिफाई हो पाए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोर्स को डिजाइन किया हुआ है, और जिन भी स्टूडेंट्स का ये बैकग्राउंड नहीं है, कहने का मतलब जो भी स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिन स्टूडेंट्स के ये सब्जेक्ट्स अपने 11th 12th में रहे वेल एंड गुड, जिनके नहीं रहे उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं, और उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ट्रिक्स और निमोनिक्स की हेल्प से आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होंगे जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं उन सब चीजों को हम लोग कवर अप करवाएंगे। इसके अलावा ऑथर्स की अगर हम लोग बात करें, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, ये इंडियन हिस्ट्री का ही टॉपिक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि रिसेंटली करंट में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं जहां पे हम लोगों को अवार्ड्स और ऑनर्स देखने को मिलते हैं कि लाइक अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है, कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम लोग बात करें, आईसीसी टूर्नामेंट्स की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ से काफी भारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोबल प्राइज रिसेंटली किसको मिला है, फिजिक्स में किसको मिला है, किस इंडियन को मिला है, एटसेट्रा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने इस कोर्स को कवर अप करना है। नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओवर टू मानिश सर। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, जैसे कि सौरभ सर ने बताई दिया कि मैं और सौरभ सर मिलके आपको ये जनरल स्टडीज का पोर्शन कंप्लीट कराएंगे, जो जीटी का जो हमारा जीके का पोर्शन है, जिसमें आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे आप देख लो कि इसमें पॉलिटी का टॉपिक आ जाता है, कंट्रीज एंड कैपिटल आ जाता है। जैसे पॉलिटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। जैसे पॉलिटी में तो आपको सबको पता ही है कि एक चैप्टर होता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब इधर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। अगर आर्टिकल 14 में बोल रहा हूँ तो आप कौन से फंडामेंटल राइट के बारे में बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 21 बोल रहा हूँ तो कौन से फंडामेंटल राइट के बारे में बोल रहा हूँ। तो पॉलिटी में आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, तो वो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आप देखो कि कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स पढ़नी जरूरत है, तो हम आपको सब पढ़ाएंगे, बस आपको पढ़ने का काम करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, साइंस की बेसिक्स, अब आपको पता है वाइटमिन मिनरल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर कोई आपको बोले विटामिन ए है इसका केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी है इसका केमिकल नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, और हम आपको इस हिसाब से ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी, बस आपका काम है पढ़ना। अब एक एक टॉपिक है स्पोर्ट्स साइंस, इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, कौन कौन सी रिसेंट डिस्कवरीज हुई है। मोस्टली स्टैटिक पोर्शन होता है, मगर पूछा कहाँ से जाता है, करंट से। तो अगर आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज अच्छी होगी तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, तो टेंशन ही लेनी, हम कोर्स उसी हिसाब से डिफाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे, आपका सारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओवर टू यू कुलदीप सर। हाँ जी स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन 1 क्लियर हो चुका है, सेक्शन 3 क्लियर हो चुका है, जो आप स्पार्क के साथ पढ़ोगे, ठीक है जी। मैं स्ट्रेटेजी की बात कर दूं तो बेटा स्पार्क इंस्टीट्यूट एक तो सबसे पहले आपके लिए फाउंडेशन बैच जो है वो लेके आया, फाउंडेशन बैच में बेटा बच्चे इनरोल होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग आज भी वीडियो को देख रहे हो और आप चाहते हो सीयूटी का फाउंडेशन बैच में इनरोल होना, तो आप इनरोल हो सकते हो बेटा। इसमें आपको एक और फीचर मिलेगा, आपका एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप जब हम अप्रैल के मंथ में क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको हम उसमें रीज्वाइन करवा देंगे, और जिसमें आपका कोर्स क्या होगा फिर से आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। क्रैश बैच भी स्टार्ट होगा, कुछ बच्चे अगर मार्च में एग्जाम देने लग रहे हैं,
मार्च के रिजल्ट के बाद वो चाहेंगे अप्रैल से तैयारी करें, फिर भी हमारे पास 45 डेज का टाइम रह जाएगा, तो हम उसके लिए क्रैश कोर्स भी लेके आएंगे, ऑनलाइन बैच भी हम स्टार्ट करने लग रहे हैं सेक्शन 1 और 3 के लिए। इसके अलावा बेटा जो सेक्शन 2 है हमारा डोमेन का, उसमें हम स्पेसिफाई कुछ ही सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें साइंस सब्जेक्ट रहेगा, अकाउंट के लिए हम चीजों को स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 2 का सिलेबस, लीगल स्टडीज का और पोल साइंस, ये हम सेक्शन 2 के लिए सेक्शन 2 में ये चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन वालों को एक और फायदा होगा, जिसमें आगे जाकर उनको क्रैश में रिवीजन भी करवा दी जाएगी। इसमें हम आपको स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और आपका पुराने साल के जो पेपर है, ये सारे आपके साथ इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार आपको मैं वेबसाइट से दिखा देता हूँ बेटा, जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम है, कि स्पार्क इंस्टीट्यूट आपको किस तरह से तैयारी में हेल्प करेगा। तो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे सभी बच्चे। बेटा देखो, दो तरह का सेगमेंट है, एक हमारी वेबसाइट के ऊपर जाओ आप, तो आप सिंपल यहाँ पे अवर कोर्सेज में एनटीए में जाओ, तो एक तो आपको जीटी के टेस्ट प्रॉपर मिल जाएंगे हमारे द्वारा, और एक सेक्शन 2 के, यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, पेपर को सिलेक्ट करो कौन सा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ से इंग्लिश के सेगमेंट को सिलेक्ट करा है, और ये प्रॉपर इंग्लिश का सेक्शन 1 है, पेपर में भी प्रॉपर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। इवन की सेक्शन 2 के भी हमने टेस्ट डिजाइन करना शुरू कर दिए बेटा। लीगल स्टडी वाला आप इसको इंग्लिश की लैंग्वेज सिलेक्ट करो, पेपर में भी आपको ऐसी स्क्रीन दिख रही होगी बेटा। तो हम पॉइंट है कि उस पे काम कर रहे हैं जो आज का आपका मेन, जिसपे एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है। प्रॉपर पेपर स्टार्ट हो गया, ऐसे ही होगा, पहला क्वेश्चन लास्ट में सबमिट करो, अपने एनालिसिस करो कहाँ पे आपकी कमी रही, अपने टीचरों से डाउट्स लो। तो लास्ट में मैं उम्मीद करता हूँ सीयूईटी को लेके, जो सीयूटी का एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट को लेके, तो आपको अपना सिलेबस एटलीस्ट क्लियर हो चुका है कि भाई साहब सिलेबस क्या रहने वाला है। हाँ जी, सिलेबस के अलावा आपको डेट्स थोड़ी सी याद करवाने की हमने कोशिश की है, कि डेट्स क्या है, एग्जाम कब निकलेगा, कब तक हम इसको फिल कर सकते हैं, इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है, इस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। तो उम्मीद करता हूँ 15-20 मिनट आप हमारे साथ प्रॉपर बने होंगे, आपको एक एक चीज क्लियर हो चुकी है कि आफ्टर 12th हमें क्या करना है, और अगर हमें कहीं एडमिशन लेनी है तो उसका प्रोसेस क्या है, और कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर कोई और डाउट है, दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके अपनी इंक्वायरी जो है वो पूछ सकते हो, अपनी गाइडेंस चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके अपना इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीजें हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू। तो लास्ट में एक बार फिर से बेटा, काफी सारा प्यार दिया आपने फीमेल सुपरवाइजर के ऑनलाइन बैच में, तो अपना प्यार बरकरार रखना। स्पार्क इंस्टीट्यूट आपके लिए बड़े सारी ऐसे चीजें और ऑफर लेते आता रहेगा। JKP SI, JKP कांस्टेबल, पटवारी और नाइट तहसीलदार जल्दी देखने को मिलेंगे हमारे वेबसाइट के ऊपर। ओके, थैंक यू।